2024 की लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही ये गठबंधन चल पाएगा। और चुनावों का परिणाम आते ही ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन की 5 क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, जिनमें सबसे पहली पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। आरएलडी वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ही आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी थी। 2024 से पहले आरएलडी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ रही थी। अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि आरएलडी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, और इस लिस्ट में अगली पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 2015 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नाम से एक नई पार्टी बनाई थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। वर्तमान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा हो रही है। 2023 में ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना था। इससे पहले 2018 से 2020 तक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यूपीए गठबंधन का भी हिस्सा रह चुके हैं। अब 2024 के चुनाव का परिणाम आने के बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है, और इस लिस्ट में अगली पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू के अध्यक्ष वाली तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। तेलुगु देशम पार्टी वर्तमान में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद TDP दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास 16 सीटें हैं। TDP ने आंध्र प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में भी 175 में से 135 सीटें जीतकर अकेले के दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। अब 2024 की लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि TDP जल्द ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, और इस लिस्ट में अगली पार्टी है जनसेना पार्टी। दक्षिणी भारत के फिल्म स्टार पवन कल्याण के अध्यक्ष वाली जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनसेना पार्टी यानी JSP ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। 2024 में आंध्र प्रदेश का विधानसभा और लोकसभा चुनाव पवन कल्याण ने TDP के चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन करके लड़ा है। अब चर्चा ये हो रही है कि अगर TDP के चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ते हैं, तो पवन कल्याण भी उनके साथ साथ एनडीए से गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और इस लिस्ट में अगली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार के अध्यक्ष वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है। 2024 की लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में 12 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार बार बार दल बदलने में माहिर है, इसलिए दल बदलू के नाम से फेमस है। नीतीश कुमार को जिधर भी फायदा दिखता है, वो तुरंत अपना पाला बदल कर उसी साइड चले जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो नाम है नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार बाद में खुद इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे, लेकिन जैसे ही 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं।
और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो फिर एनडीए सरकार अल्पमत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनाने की संभावना बन सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, 2024 में 240 सीटें जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल सरकार चला पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।